हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। क्या दुबई फार्मा मैन्युफैक्चरिंग में काम करने के लिए DHA लाइसेंस ज़रूरी है? ये क्वेश्चन मुझे कमेंट में किसी ने पूछा था, मुझे नाम याद नहीं है, तो मैंने सोचा कि ये डाउट काफ़ी सारे लोगों को होगा, तो उसको मैं आज क्लियर कर देती हूँ। जो DHA MOH या हद जो एलिजिबिलिटी लेटर है, तो अगर आप एज अ फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं या एज आप नर्स हैं या डॉक्टर हैं या वेटनरी डॉक्टर हैं, वहाँ पे आपको इन सब लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं या आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप काम कर रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, वेयर हाउस, स्टोर या प्रोडक्शन में, वहाँ आपको DHA लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भी लाइसेंस का एक प्रोसीजर होता है, जो कि कंपनी ही अप्लाई करती है, आपको खुद से अप्लाई नहीं करना होता है, उसके लिए कुछ अलग रूल्स हैं जिनको कि नई कंपनी स्टार्ट करनी है। लेकिन सिर्फ किसी कंपनी में काम करने के लिए, किसी रनिंग कंपनी में काम करने के लिए आपको इन सब लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बेस्ड ऑन इंटरव्यू आपका सिलेक्शन होता है और आप डायरेक्टली ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो मैंने इसलिए बनाना ज़रूरी समझा कि जैसा कि मैंने बताया कि मुझे कमेंट में किसी ने पूछा, तो मैंने सोचा कि ये डाउट मैं क्लियर कर दूं। तो ये वीडियो बनाने का मोटो यही था। होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आप बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।